ये व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हमारी जो गोल्ड लिमोजिन है वो रिपेयर होकर आ गई थी, और उसके बाद हम लोग गए थे एक बड़ा सा घर खरीदने। और वो जो घर मेरे को मिला था भाई, सच्ची में वो घर बहुत ज्यादा तगड़ा था। उस घर के अंदर जिम था, बार था, सब कुछ था, यानी कि दो दो स्विमिंग पूल थे और बास्केटबॉल कोर्ट था, काफी बड़ा गैराज था। मतलब कि उस घर में कोई भी कमी नहीं थी, और मेरे हिसाब से वो लॉस सैंटोस का सबसे बेस्ट घर था। अब वो जो घर है ना, उसका प्राइस यार, मतलब कि उसके डीलर से मेरी बात हुई और वो कह रहा था कि इसका प्राइस जो है वो मतलब कि 70 मिलियन डॉलर है, लेकिन अगर तुम 50 मिलियन डॉलर पे कर देते हो तो वो जो घर है तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन बाद में तुम्हें 20 मिलियन डॉलर जो है और पे करने पड़ेंगे। अभी फिलहाल मैं अपने घर की छत पे चढ़ा हुआ था। तो गाइस यार आज देखो, मैं कुछ भी करके मुझे वो वाला घर चाहिए, क्योंकि जब से मैंने वो वाला घर देखा ना भाई, और कोई घर खरीदने का मन कर ही नहीं रहा। और भाई देखो, सीधी सी बात है, घर खरीदना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम पुराने वाले घर में जाएंगे तो हमारे पास इतनी सारी गाड़ियां हो गई, कहां पर खड़ी करेंगे। और वो वाला जो घर था यार, वो सबसे ज्यादा बढ़िया था, सबसे ज्यादा बेस्ट था। और जब से मैंने घर को देखा है ना भाई, मुझे और कोई घर खरीदने का मन ही नहीं कर रहा है। तो भाई देखो, मेरे पास 8.5 मिलियन डॉलर थे, और मैंने क्या कर रहा था कि लेस्टर से 52 मिलियन डॉलर का उधार लिया, और 60 मिलियन डॉलर लेकर उसके घर पर पहुंच गया। और जैसे ही वहां पर मैं सारे पैसे लेकर पहुंचा, तब मुझे पता चला कि वो जो घर है बिक चुका है, और खरीदा है किसने? बिग माफिया ने। तो भाई देखो, बहुत सारे लोग ना मुझे ये कह रहे थे कि सीधा तुम बिग माफिया घर पर जाओ, उसके मथे पे गोली मारो, उसके सारे बंदे मारो, घर जो है तुम्हारा हो जाएगा सिंपल। तो देखो भाई, इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। बिग माफिया को तो चाहूं मैं अभी के अभी मार दूं, लेकिन उसके बाद जो उसकी इतनी बड़ी फोर्स है, उसके बाद जो इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, इतने सारे वेपन्स है, इतने सारे गुंडे बदमाश जो उसके साथ में है ना भाई, वो हमारा क्या करेंगे वो मुझे नहीं पता। इसलिए मैं बिग माफिया से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहता। मैं तो चाहता हूं कि वो उल्टा हमारा दोस्त बन के रहे। तो चलो गाइस यार, अभी ना फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं, और मैं भी सीधा जाने वाला हूं बिग माफिया घर पर। वहां पर चलकर हम उससे उसके नए वाले घर के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार भैया ये जो घर है तो हमें देगा या फिर नहीं देगा। देखो भाई, अगर वो बंदा हमें वाला घर देता है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, और अगर वो मना कर देगा तो भाई हमें उस घर को भूलना पड़ेगा। मतलब कि उसके लिए मैं बिग माफिया से लड़ना नहीं चाहता। अब घर तो यार बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर मैंने बिग माफिया से फाइट कर लेना तो भाई जो घर अभी हमारे पास है ना, फिर वो भी नहीं बचेगा। तो भी जल्दी से हम लोग सीधा निकल लेते हैं बिग माफिया घर पर। लेकिन उससे पहले मैं जाने वाला हूं एम्यूनेशन की शॉप पर। मुझे ना अपनी गन्स थोड़ी बहुत मॉडिफाई करवानी है, मतलब कि सप्रेसर लगवाना था यार मुझे अपनी M4 में, और बाकी मेरे पास एक स्नाइपर है उसको भी हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई करवाएंगे। मतलब यार जब तक गन में सप्रेसर नहीं होता ना भाई, दिमाग खराब हो जाता है। और इधर आ बेटा, गाड़ी खुद ने लाकर ठोकी है, और ऊपर से गाड़ी से निकल के चोरना भी हो रहा है। ओ, मैंने अपनी गाड़ी पे लात दे दिया, गलती से लात मार दी मैंने। तो इधर है तेरी ऐसी की तैसी। एक तो ये नकली सी गाड़ी चला रहा है, ये जो गाड़ी है ना ये कचरे में खड़ी कर रखी थी मैंने, ये ट्रेसी एंड जिमी वाली कार है, येलो कलर की जो देखी है ना आपने, सेम टू सेम वही कार है। और यहाँ पर इसकी कार भी पंचर करो, घर भी नहीं जा पाएगा ये भाई साहब, दिमाग खराब कर रहा है। एक तो गाड़ी ला के ठोक दी अभी अभी मैं निकला था। खैर छोड़ो, जो भी है, अभी यहाँ पर इतना ज्यादा ट्रैफिक क्यों लग रहा है भाई? किस चीज़ का रोड है ये? इतना ज्यादा ट्रैफिक लग रहा है भाई, पूछो मत। अभी फिलहाल जो एमिनेशन की शॉप है ना, वो सामने की तरफ में आ गया, जल्दी चलते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। ओ भाई, ये क्या हो रहा है बंदो? मैं इस रोड से गाड़ी हटा रहा हूँ, बंदे पागल हो गए हैं। एक आध गोली चल रही, और अभी फटाफट से अपनी अपनी लैम्बोर्गिनी जो है मैं यहीं पर पार्क करता हूँ, और जल्दी से हम लोग एम्यूनेशन की शॉप में निकल लेते हैं। और मेरे को देखते बंदे देखो भाई कैसे भागते हैं। अभी जल्दी से हम लोग शॉप के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। अभी फिलहाल ना यहाँ पर मेरे को कोई गन्स वगैरह तो नहीं खरीदनी, एक आर्मर जरूर खरीद लूंगा। तो चलो सर, मुझे अपनी पिस्टल्स नहीं मॉडिफाई करवानी भाई, मुझे अपनी ये वाली गन मॉडिफाई करवानी है। और यहाँ पर इसके अंदर भाई फ्लैश लाइट वगैरह सब कुछ हम लगा सकते हैं, स्कोप भी लगवा लिया। और यहाँ पर एक ये है यूसुफ आमिर लग्जरी फिनिश, और बाकी ग्रीन टिंट है, ऑरेंज टिंट है, पिंक टिंट है, और ये गोल्ड टिंट है भाई। गोल्ड टिंट बहुत ज्यादा ही महंगा है, यहाँ पर सिंपल हम लोग यही वाला लगवा लेते हैं, आमिर वाला, ये मेरे को काफी ज्यादा सही लग रहा है। तो ओके गाइस यार, अभी ना फिलहाल मेरी एक गन जो है वो तो मॉडिफाई हो गया, मुझे ना अपनी एक स्नाइपर भी मॉडिफाई करवानी है, क्योंकि मैं हमेशा दो गन यूज करता हूं। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, मैंने इसके ऊपर एडवांस स्कोप लगा लिया है और गोल्ड टिंट करवा लेते हैं, ये बेस्ट कॉम्बो है। अभी यहाँ पर जो मेरी दोनों गन है वो मॉडिफाई हो चुकी है। और हाँ गाइस यार, आपको मैं एक चीज तो बताने भूल गया, आपको याद होगा मेरे पास टोटल 60 मिलियन डॉलर समथिंग थे, तो जितना भी पैसा था टोटल 60 मिलियन डॉलर, वो सारे के सारे ना मैंने अपने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिए हैं। अब मुझे पता है मुझे 52 जो है लेस्टर को वापस करने हैं, लेकिन अगर मैं सारा का सारा पैसा अपनी जेब में लेके घूमूंगा, और उसके बाद अगर हमें पुलिस पकड़ती है या फिर अगर हम मर जाते हैं, तो वो सारा का सारा पैसा जो है खो जाएगा, और अगर पुलिस पकड़ेगी तो उनके पास चले जाएगा। तो वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए सारा का सारा पैसा जो मैंने डिपॉजिट करवा दिया, और अभी मेरी पॉकेट में सिर्फ उसे 1 लाख डॉलर है। तो चलो गाइस यार, फालतू बातें हम लोग ना बाद में करेंगे, अभी जल्दी से हम लोग सीधा निकल लेते हैं बिग माफिया घर पर। लेकिन यार वहां पर जाने से पहले ना एक बार मैं अपनी गन्स चेक कर लेता हूं कि आखिरकार जो मैं मॉडिफाई करवा कर लाया हूं, देखने में लक कैसी रही है। ओके, तो ये है मेरी M416 जो AR मैंने मॉडिफाई करवाई थी, और ये है स्नाइपर। भाई स्नाइपर तो बहुत ज्यादा तगड़ी होगी, अगर इसका स्कोप मैं चेक करूं जो मैंने एडवांस स्कोप लगाया है, ओ भाई कितना ज्यादा जूम हो रहा है, यानी कि अभी बहुत दूर दूर भी जो एनिमीज खड़े होते हैं ना, उनको भी मैं बहुत ज्यादा इजिली मार देता हूं। तो चलो खैर जोड़ो, जो भी हो, भी फालतू बातें बाद में करेंगे, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें बात करनी है बिग माफिया से। भाई साहब यहां पर बेसमेंट में अपनी गाड़ी चलाने का अलग ही मजा है, मतलब कि जो साउंड आता है ना निकलकर वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। और यहां पर ये देखो भाई,
कटिंग देख रहे हो, मतलब इतने पतले पतले जगहों से भी मैं अपनी गाड़ी जो आराम से निकाल दे रहा हूँ। तो अभी जल्दी से निकलते हैं, घर फिलहाल आने ही वाला है, सामने की तरफ में ज्यादा दूर नहीं है। तो चलो गाइस यार, अभी फिलहाल मैं अपनी लैम्बोर्गिनी से भगाते भगाते पहुंचने वाला हूँ बिग माफिया घर पर। वैसे मैं पहुंचने वाला नहीं हूँ, पहुंच चुका हूँ घर जो है उसका सामने की तरफ में आ गया। अभी एक काम करते हैं ना, अपनी जो लैम्बोर्गिनी सियान है ना उसको मैं ना बाहर ही पार्क कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं इसके घर पर गया था ना वहां पर भी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। अब ये लोग मुझे मना करे इससे बढ़िया मैंने खुद ही समझदारी दिखाकर यहाँ पर अपनी गाड़ी जो है बाहर पार्क कर दी। अभी ना जल्दी से हम लोग ना घर के अंदर चल लेते हैं। तो भाई यार अभी ना बिग माफिया के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे अंदर जाने की परमिशन तो दे दी है, लेकिन ना इन्होंने मेरे सारे के सारे वेपन्स भी जो है छीन लिए हैं। और ये लोग अच्छे जानते हैं कि मैं लॉस सैंटोस का बहुत बड़ा गैंगस्टर हूं, तो शायद से अभी मुझे ना इनके पीछे चलना है, बस अंदर से एक बारी ऑर्डर आ जाए। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से हम लोग निकल लेते हैं अंदर के लिए। और यहाँ पर भाई जो सिक्योरिटी है ना भाई बहुत ज्यादा हार्ड और बहुत ज्यादा टाइट है, मतलब कि ना एक बंदा मिनी गन लेकर हमारे आगे चल रहा है, दो बंदे हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं, और यहाँ पर इतने सारे नमूने खड़े हुए हैं, और सिर्फ सबका एम ना सिर्फ और सिर्फ मेरे मत्थे पे है। और यहाँ पर अगर मैंने कोई भी चलाकी करने की कोशिश करी तो भाई यहीं कहीं ये लोग मेरे को भून डालेंगे। और बाकी यार सच्ची में इतनी सारी आर्मर्ड कार खड़ी हुई है भाई पूछो मत। अभी ना जल्दी जल्दी हम लोग आगे की तरफ में निकल लेते हैं। भाई यहाँ पर देखो मैं चलाकी करने की कोशिश तो पहली बात कर ही नहीं सकता, मतलब मेरे पास गन ही नहीं है तो मैं क्या बिगाड़ लूंगा। लेकिन अगर बाय चांस मैं किसी गार्ड को गिरा देता हूँ या फिर किसी की गलती से मुक्का मार देता हूँ, ये लोग तो भाई भूत बना देंगे। और सामने की तरफ में भी देखो भाई एक बंदा, एक नहीं दो तीन बंदे छत पे खड़े कर रखे हैं, और यहाँ पर इतना बड़ा हेलीकॉप्टर भी लगा रखा है भाई पूछो मत। मुझे तो भाई बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे अगर बाय चांस मैंने कोई भी मिस्टेक कर दी इनको मारने कूटने की। अभी फिलहाल यहाँ पर ये वाली गाड़ी देख पा रहे हो, डिंक का जस्ट, और ये वो गोल्ड वाली कार है। इन्हीं दो कार के थ्रू मैं बिग माफिया का फ्रेंड बना था, मतलब कि भाई सच्ची में अभी बहुत तगड़ा सीन हो चुका है। जल्दी से हम लोग निकलते हैं सीधा घर के अंदर। अब मुझे पता नहीं यार घर के अंदर सिक्योरिटी होगी या फिर नहीं होगी, घर के बाहर तो बहुत ज्यादा थी, घर के अंदर ओ तेरी, घर के अंदर घुसते ही एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है भाई साहब। भाई मुझे तो लग रहा था मारने जा रहा है। तो भाई देखो पीछे की तरफ में भी एक सिक्योरिटी गार्ड था, सामने की तरफ में भी एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि सीधा मेरे मत्थे पर एम करके बैठा हुआ है। तो अभी मेरे को ऊपर की तरफ में जाना है। ये लोग कह रहे हैं कि जो बिग माफिया है वो बालकनी में बैठा हुआ है, मतलब कि देखो मैं बिग माफिया का दोस्त हूँ, उसके लिए इतनी सारी कार्स बना कर दी, उसके लिए इतना सारा काम करा, उसके बाद भी वो हम पर विश्वास नहीं कर रहा है। और जिस दिन बिग माफिया ने मेरे ऊपर विश्वास कर लिया ना भाई उसी दिन मैं उसको खत्म कर दूंगा। वैसे यार बिग माफिया ना बहुत तेज चीज़ है भाई, वो जानबूझ के हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा, और भाई इसीलिए वो बिग माफिया, मतलब कि इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी रखी हुई है ना, तभी वो आज तक कभी किसी से मरा नहीं। तो चलो गाइस यहां पर अभी फिलहाल मैं इनकी बालकनी में आ चुका हूं, सामने की तरफ में बैठा हुआ है बिग माफिया। भाई साहब सच्ची में अलग ही स्वैग है भाई बंदे का। अभी यहां पर ना फटाफट इससे बात करते हैं, और हमें देख के बहुत खुश हो गया। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल मेरी बिग माफिया से उसके घर को लेकर तो बात हो गई है, और उसने घर के बारे में हां या ना में तो जवाब दिया नहीं, लेकिन उसने जो मेरे साथ बात बताई है, जो मेरे साथ एक डील रखी है ना भाई, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो वो जो बात है मैं आपको यहां पर नहीं शेयर करूंगा, क्योंकि यहां पर इसके कुछ नमूने खड़े हैं जो कि मेरे मत्थे पर ना हमेशा एम करके बैठे रहते हैं, तो भाई एकदम मतलब कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो एक काम करता हूं ना, यहां पर मैं आपको पूरा का पूरा सीन जो एक्सप्लेन करता हूं, और जो मामला है ना भाई वो काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। तो भाई देखो अभी सीन ये है कि जो बिग माफिया है ना वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, मतलब उसे पता था कि हम लोग ये वाला घर खरीदने जा रहे हैं, इसीलिए उसने हमसे पहले वाला घर खरीद लिया क्योंकि वो हमसे मिलना चाहता था। तो आपको तो पता है कि हम लोग किराए के घर पर छुप कर रह रहे थे, इसलिए वो हमें ढूंढ नहीं पाया। तो भाई वो ये कह रहा है कि जो अंडरवाटर माफिया है जिसको तुम इतने टाइम से मार रहे हो, जिसकी तुमने सारी सारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दी, जिसका सारा का सारा पैसा जला दिया, वो उसका पैसा नहीं था, वो इसका पैसा था, और अंडरवाटर माफिया इसका छोटा भाई है। भाई अभी तो मेरा ये लाइन सुनकर ना इतना ज्यादा मथा खराब हो रहा है पूछो मत। तो अभी हमें पता है क्या करना है कि ये कह रहा है तुमने मेरा जितना भी नुकसान करा है ना वो सारा का सारा भर दो बस, और ये वाला घर जो मैं छोड़कर चले जाऊंगा। तो गाइस यार बिग माफिया कह रहा है कि ना तुमने मेरा ऑलमोस्ट 2,000 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान करा है, तो तुम एक काम करो सिर्फ और सिर्फ 800 मिलियन डॉलर ही मुझे वापस लाकर दे दो, और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हें वापस से अपना दोस्त बना लूंगा। और सबसे खतरनाक सीन ये हुआ कि जहां पर माइकल लैंड पर रह रहा था छुपकर, जहां पर हमारी सारी गाड़ियां खड़ी थी और जहां पर माइकल की फैमिली रह रही थी, वो एरिया उसको पता चल गया, और उसने वो एरिया भी सील कर दिया, यानी कि माइकल की फैमिली को जो है किडनैप कर लिया है। और उसने धमकी ये दी है कि अगर तुमने आज रात होने से पहले हमारा जो सारा का सारा पैसा है, मतलब कि 300 मिलियन डॉलर कैश और 500 मिलियन डॉलर के जो डायमंड थे वो वापस नहीं करे, तो वो माइकल की फैमिली को जो है पूरा का पूरा मार देगा। तो भाई अभी ना जल्दी से ये जो काम है ना हमें करना पड़ेगा, मतलब कि कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा। अभी 300 मिलियन डॉलर हमें कैश करना है कुछ भी कर, मतलब लेस्टर के पास भी पैसा है, बट यार लेस्टर इस चीज में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करेगा, बट यार माइकल की फैमिली का सवाल है, तो भी यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और अभी ना मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 60 मिलियन डॉलर है, और वो भी सारे के सारे लेस्टर के ही है, जिसमें से 8 मिलियन डॉलर बस मेरे हैं। अभी जल्दी से यार हम लोग ना यहाँ से निकल लेते हैं सीधा लेस्टर के पास। इस मामले में ना लेस्टर ही अभी हमारी कोई हेल्प कर सकता है, और अभी ना यार सबकी हेल्प चाहिए होगी, लेस्टर की, ट्रेवर की, सबकी। और यहाँ पर ना अभी मैं सीधा उसका मुंह तोड़ने वाला हूँ, उसके छोटे भाई का। तो भाई देखो बिग माफिया ने यार सच्ची में बहुत ज्यादा मतलबी आदमी है, उसने ना एक बार भी ये नहीं पूछा कि जो उसका छोटा भाई है वो जिंदा है या फिर नहीं जिंदा, बस वो ये कह रहा है कि मेरी जितनी
मेरी प्रॉपर्टी तुमने डिस्ट्रॉय करी है, उसका सारा का सारा पैसा $300 मिलियन मुझे ला कर दो, और जो मेरे डायमंड तुमने चुराए थे वो सारे के सारे डायमंड वापस ला कर दो। भाई साहब पता नहीं कैसा सा बंदा है, बस उसको पैसों से मतलब है और भाई भाई से कोई मतलब नहीं है। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से हम लोग सीधा निकल लेते हैं लेस्टर के पास। लेस्टर ने ना मुझे एक बहुत ही सीक्रेट जगह पर मिलने के लिए बुलाया है, और वहीं पर जो अंडर वाटर माफिया को भी उसने कैद करके रखा हुआ है। फ्रैंकलिन एंड ट्रेवर भी जो अपना वहीं पर बैठे हुए हैं, और चलकर देखते हैं क्या सीन है। और लेस्टर ये कह रहा है कि ना उसने एक ऐसा प्लान बनाया है, अगर वो प्लान सक्सेसफुल जाता है तो सारा का सारा मैटर जो है सोल्व हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब पता है मुझे क्या लग रहा है कि लेस्टर का जो दिमाग है ना भाई वो बहुत ज्यादा तेज चलता है, तो क्या पता उसका प्लान कुछ ऐसा हो जिसमें कि वो बिग माफिया को ही मारने के लिए बोल दे। वैसे यार बिग माफिया को मारना इतना ज्यादा आसान नहीं है, और मेरे हिसाब से ना लेस्टर भी जो है उससे पंगा लेना नहीं चाहेगा। तो गाइस यार एक तो ना मुझे लेस्टर का सीन नहीं समझ आता, ये बंदा हमें जब भी कहीं पर मिलने के लिए बुलाता है ना तो इतनी ज्यादा सीक्रेट जगह पर बुला लेता है ना भाई पूछो मत। मतलब कि इस एरिया में ना मैं सच्ची बता रहा हूँ लॉस सैंटोस पूरा घूमा हूँ, लेकिन इस एरिया में मैं आज तक नहीं आया। भाई पता नहीं कैसे लेस्टर को इतनी अजीबोगरीब जगह के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज रहती है। अभी फिलहाल यहाँ पर वो कहता है ना एक बहुत ही बड़ी तुम्हें फैक्ट्री मिलेगी, और उसके बाहर कंट्रोल ऑफिस लिखा होगा, तो मुझे पता था वो यही वाली फैक्ट्री है, क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी फैक्ट्री यही थी, मैंने मैप में देख लिया था। अभी फिलहाल इसके अंदर चलकर देखते हैं। भाई सच्ची में इतनी अजीब सी फैक्ट्री में मैं पहली बार आ रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसके अंदर तो एंटर हो गया, और यहाँ पर अंदर वर्कर्स भी होंगे क्या? एक सेकंड रुक जाओ। और यहाँ पर ये कंट्रोल रूम है जहाँ पर सारे के सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं, और सामने की तरफ में ये क्या चल रहा है भाई? एक सेकंड, ओके भाई बहुत ज़्यादा अजीब सी जगह, धुआं निकल रहा है बहुत ज़्यादा, और मुझे पता है क्या लग रहा है कि यहाँ पर शायद से कि मेटल को ना मेल्ट किया जा रहा है, मतलब लोहे को पिघलाया जा रहा है। अब पता नहीं क्या सीन है, खैर छोड़ो। यहाँ पर सामने की तरफ में ना एक रूम हो रहा है, यहाँ पर कोई नहीं हुआ तो हम लोग आगे चलकर देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर अंदर आवाज़ें तो आ रही हैं। ओके भाई ये देखो, ये बैठा अपना ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन, और यहाँ पर ये क्या इन्होंने हालत कर रखी है भाई इसकी? भाई सब यहाँ पर इसे बहुत मारा है भाई। तो कि कैसे यार अभी ना मेरी यहाँ पर ट्रेवर से बात होगी, और ट्रेवर ये कह रहा है कि लेस्टर ना अभी अभी यहाँ से जा चुके, उसे बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम था, और उसने अपने ऑफिस में हमें मिलने के लिए बुलाया है, और ये कह रहा है कि हम लोग ना इसे यहीं पर छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि ना इन्होंने इसको 14 घंटे के लिए बेहोश कर दिया है, मतलब कि आने वाले 14 आवर्स के अंदर इसको बिल्कुल भी होश नहीं आने वाला। और ये है अपने फ्रैंकलिन की न्यू कार। तो गाइस सर अभी ना फ्रैंकलिन ने पीछे वाला जो डोर है वो भी लॉक कर दिया है, ताकि बिग माफिया जो है यहां से भाग ना पाए। और जो ये फ्रैंकलिन ने नई वाली गाड़ी बाय करी है ना भाई, सच्ची में यार मुझे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी, और ये कार ना वैसे है भी बहुत ज्यादा महंगी। तो अभी जल्दी से इस गाड़ी को लेकर निकल लेते हैं हम लोग सीधा लेस्टर के ऑफिस के लिए, वहीं पर चल के वो हमें सारा का सारा जो प्लान है वो डिस्कस करने वाला है। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल मैं यहां पर फ्रैंकलिन की गाड़ी भगाता भगाता पहुंचने वाला हूं लेस्टर के ऑफिस में। बस मुझे ना आगे से थोड़ा सा लेफ्ट लेना है, और लेस्टर का जो ऑफिस है वो आ जाएगा बस यहां पर। ये पतली पतली गलियों में ले जाकर जो है लेस्टर ने ऑफिस बाय कराना भाई पूछो मत। खैर छोड़ो जो भी है कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पर एक और रास्ता आता है इस ऑफिस का जिससे मैं नहीं आया, अभी मैं पीछे वाले गेट से यहां पर आ चुका हूं। अभी जल्दी से हम लोग ना ऑफिस के अंदर चलते हैं, और देखते हैं क्या सीन है, लेस्टर यहां पर है कि नहीं। ओके तो लेस्टर तो फिलहाल यहां पर बैठा हुआ अपना जो है कंप्यूटर पर काम कर रहा है, और देखते हैं भाई के बारे में आखिरकार लेस्टर का क्या सीन है, और ये दोनों भी अंदर आ जाए बस जल्दी से। तो गाइस यार मैं इतना सब कुछ सोच के बैठा हुआ था कि लेस्टर जो है बिग माफिया को मारने के लिए प्लान बनाएगा, लेकिन ना लेस्टर कह रहा है कि यूनियन डिपॉजिटरी से सारा का सारा पैसा चुराओ और उसको दे आओ। तो भाई इससे हमें ये पता चलता है कि लेस्टर भी जो है बिग माफिया से ना थोड़ा बहुत डरता है भाई, मतलब कि अगर वो डरता ना होता ना तो वो सीधा उसको मारने के लिए बोल देता। अभी यहां पर जो है ना लेस्टर ने हमें पूरा का पूरा जो प्लान है वो डिस्कस कर दिया है। अभी ना जल्दी से हम लोग जाने वाले हैं सीधा चोरी करने, और बाकी आप लोग यहां पर देख पा रहे हो भाई ट्रेवर पता नहीं क्यों चिढ़ रहा है माइकल से, पता नहीं किस लिए लड़ाई कर रहा है। तो कि गाइस यार अभी ना फिलहाल हम लोगों ने अपने कपड़े जो है जल्दी से बदल लिए, और यहां पर लेस्टर अपना अलग जा रहा है, फ्रैंकलिन अपना अलग जा रहा है, तो यहां पर अभी हम लोग को भी एक अलग जगह पर जाना है। मतलब कि ना अभी ये जो प्लान है ना ये बाकी प्लान से यार बहुत ज्यादा डिफरेंट है, और ये जो प्लान है यार मैं बिल्कुल भी डिस्कस करने नहीं वाला, बस आप लोग देखते जाओ और आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो मिशन है भाई कितना ज्यादा खतरनाक है। तो बेसिकली अभी हम लोग सीधा जाने वाले हैं यूनियन डिपॉजिटरी में, हमें ना वहां से एक गनमैन को उठाना है जो कि हमारे साथ ना फाइट करने के लिए चलेगा। मतलब कि ना इस मिशन में हमारे साथ 3-4 लोग और हैं जो कि दो ड्राइवर हैं और दो वो हैं जो कि हमारे साथ फाइट करने के लिए चलेंगे। तो अभी फिलहाल मैं यूनियन डिपॉजिटरी पहुंच चुका हूं, और यहां पर वो बंदा कहां पर है तो शायद से ये खड़ा हुआ। तो चलो भाई साहब जल्दी से आ जाओ, और ये देखो एकदम चुपचाप हमारी गाड़ी में आकर बैठ चुका है, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये यूनियन डिपॉजिटरी वालों का ही बंदा है जिसको लेस्टर ने हायर करा है हमारे साथ मिशन करने के लिए। और अभी ना यहां पर फ्रैंकलिन जो है देखो नीचे गाड़ी लेकर पहुंच चुका है। यहां पर ये जो गाड़ी है ना इस गाड़ी के थ्रू ना हम सामने वाली दीवार में छेद करने वाले हैं। वैसे ये जो गाड़ी है ना मतलब मेट्रो के रास्ते बनाने के लिए काम आती है, लेकिन अभी हम लोग इसे गलत काम के लिए यूज करने वाले हैं। यहाँ पर जो यूनियन डिपॉजिटरी का सारा पैसा है वो अंडरग्राउंड में रखा हुआ है, और इस गाड़ी के थ्रू ना हम पूरा का पूरा, ये देखो भाई ये क्या हो रहा है, मतलब पूरी दीवार में छेद कर हम लोग यूनियन डिपॉजिटरी में एंटर हो जाएंगे। तो भाई देखो यहाँ पर जो दीवार में छेद हो चुका है, ओ भाई साहब यहाँ पर जो हमने रास्ता तोड़ा था
वो रास्ता पूरा का पूरा यूनियन डिपॉजिटरी में ही जाकर निकला और यहाँ पर सायरन बजना भी शुरू हो गए हैं। और भाई सीधी सी बात है, इतनी ज़्यादा तोड़फोड़ होगी तो सायरन तो बजेगा ही। अभी ना फटाफट से हमें इस गाड़ी को जो है पीछे की तरफ में बाहर निकालना है। और भाई सच्ची में इतना ज़्यादा शोर हो रहा है ना पूछो मत। और यहाँ पर जो गाड़ी है वो तो बाहर निकल चुकी है, अभी हमें जल्दी से अंदर की तरफ में चलना है। और यहाँ पर ना देखो अंदर चलकर देखते हैं कितना गोल्ड पड़ा है। और यहाँ पर जितने भी गेट है ना यार, ये तो टूटे ही नहीं, ये जाली वाले पिंजरे वाले गेट कैसे टूटेंगे, यहाँ पर इन पर गोली मारने में कुछ नहीं होगा। ओके तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना एक आदमी बॉम्ब लगा देता हूँ, अगर मैंने इधर बॉम्ब लगा दिया ना तो ये गेट जो है जरूर टूट जाएंगे। अभी फटाफट मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। ओ भाई साहब ये देखो यहाँ पर सारे के सारे बॉम्ब फूटे और ये सारे के सारे गेट भी जो है गिर चुके हैं। तो भाई देखो अभी ना यहाँ पर जो अपना फ्रेंड है ये सारा का सारा गोल्ड उठाकर ना इधर ले जाएगा और ऊपर से लेस्टर एंड ट्रेवर आएंगे अपना मतलब हेलीकॉप्टर से आएंगे और सारा का सारा गोल्ड जो उठाकर ले जाएंगे। तो अभी जल्दी से यहाँ पर जितनी भी न्यूज टीम आ रही है ना मुझे इन्हें मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी सबको मैं बहुत ही बुरी तरह मारने वाला हूँ भाई, तो अपना काम बस जल्दी जल्दी करते रहे। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना इसने सारा का सारा गोल्ड जो है जाली के अंदर लाकर रख दिया है। अभी जितना भी गोल्ड है ना ये लोग सीधा हेलीकॉप्टर से यहाँ से उठाकर ले जाने वाले हैं। तो चलते रहिए ऐसी की तैसी, यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। पीछे से भी कुछ बंदे आ गए भाई, खतरनाक सीन है। रुक जाओ, मुझे ना पीछे वालों को बहुत ही बुरी तरह मारना पड़ेगा। निकल यहाँ से, यहाँ पर मेरे पास जो स्नाइपर है ना इसके अंदर स्कोप तो मस्त वाला है, तू भी निकल बेटा। तो चलो गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना ट्रेवर और लेस्टर जो है हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये लोग इन हेलीकॉप्टर के थ्रू ना सारा का सारा गोल्ड जो है यहाँ से उठाकर ले जाने वाले हैं और सीधा बिग माफिया के घर पर ही ले जाकर रख देंगे पुलिस वालों से पीछा छुड़ाकर। और ये देखो भाई हमने यहाँ पर एकदम मस्त तरीके से उसमें लटका दिया हुक लगाकर और सामने की तरफ में काफी सारे अंदर से भी पुलिस वाले आ गए। भाई मारो मारो मारो, किसी को भी नहीं छोड़ना। अभी ना मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ क्योंकि यार यहाँ पर स्नाइपर मेरे हिसाब से काम नहीं आने वाली, वैसे स्नाइपर ही काम आएगी। रुक जाओ यहाँ पर स्नाइपर के थ्रू चलती रही ऐसी तैसी, एक या दो गए। अभी देखो स्नाइपर का ना बहुत ज्यादा फायदा, एक ही गोली मारनी पड़ती है। ओ भाई बॉम्ब डाला, बहुत सही, मैं भी बॉम्ब डालूंगा। अगर हम लोग वहाँ बॉम्ब डालेंगे तो बहुत ज्यादा सही रहेगा। और पीछे के बंदे खत्म हो गए सामने, ओ पीछे से आ रहे हैं ये लोग, सामने के बंदे खत्म हो गए पीछे से आ रहे हैं। और मैं उल्टा बोल रहा हूँ भाई सब, यहाँ पर हेलीकॉप्टर से उतर उतर के आए हैं लोग, मेरे को ना यहाँ पर छुप के बैठना पड़ेगा। अगर छुप के नहीं बैठा तो एक ना एक गोली तो मेरे बहुत ही बुरी तरह पड़ जाएगी। तो चलो गाइस यार यहाँ पर अभी ना बहुत ही बढ़िया सीन हो चुका है। अभी ना फटाफट से हम लोग वापस से ट्रैवर पे स्विच होते हैं। तो अभी ना मुझे ये सारा का सारा गोल्ड जो है ना मेरे को लॉस सैंटोस सिटी से जो है बाहर निकालना है। अब यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले ना उन सबको पता चल चुका है कि यहाँ पर हमने चोरी करी है, लेकिन ना अभी तक मेरे हिसाब से किसी को ये नहीं पता कि जितना भी गोल्ड है वो सारा का सारा हम लोग हेलीकॉप्टर में लेकर भाग रहे हैं। भाई बहुत खतरनाक सीन है, मतलब यहाँ पर ना अगर टोटल देखा जाए तो ये $200 मिलियन है। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं माइकल पे जस्ट स्विच हो चुका हूँ और यहाँ पर सामने की तरफ में ना काफी सारे पुलिस वाले आ रहे हैं और सभी को मारना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमने एक को भी छोड़ दिया ना तो ये बाद में बहुत ज्यादा गड़बड़ कर सकते हैं। मतलब कि आपको पता होगा कि ट्रेवर और जो लेस्टर है ना वो सारा का सारा गोल्ड जो है हेलीकॉप्टर में लेकर भागे हैं और पुलिस वालों का ना हम यहाँ पर रहकर ध्यान भटका रहे हैं। अगर हमने पुलिस वालों का ध्यान नहीं भटकाया ना तो ये लोग हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएंगे और फिर जो है बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और ये हेलीकॉप्टर इतने नीचे कहां से आ गया भाई, मारो 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 मारो। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो कि ना बहुत सारे पुलिस ऑफिसर जो है यहाँ पर आ गए हैं और मुझे ना सबको मारना पड़ेगा बहुत ही बुरी तरह, मतलब एक नहीं दो नहीं बहुत सारे हैं। तो अपनी स्नाइपर ये भी काम आने वाली है। चल बेटा एक गया दो गया, यहाँ पर भी मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। एक बहुत पीछे बैठा हुआ था, यहाँ पर स्कोप मेरा बहुत तगड़ा है बेटा, अभी उठने की कोशिश करियो ही मत। एक और गया, ये दिख रहा है इसका भी हेड, ये भी गया। यहाँ पर ना मैंने ऑलमोस्ट सभी को मार दिया, सामने की तरफ में ना एक जिंदा बचा हुआ है, इसको मत छोड़ियो। मैं आ रहा हूँ, जब मैं ऑटो गन लेकर आ रहा हूँ फिर मैं इसे देखता हूँ। भाई नीचे की तरफ में भी बहुत सारे हैं भाई और पीछे से भी आ गए भाई, इतनी ज़्यादा पुलिस आ कहाँ से रही है यार। मुझे ना सब कुछ जल्दी जल्दी में करना पड़ेगा और यहाँ पर नीचे वालों को भी मारना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हेलीकॉप्टर आया कहीं से, ओ भाई हेलीकॉप्टर को मारो, हेलीकॉप्टर को मारो भाई। अगर हेलीकॉप्टर वाला जिंदा बच गया ना तो काम खराब हो जाएगा, मुझे इसके ना पायलट को डाउन कर देना था। अगर मैं हेलीकॉप्टर के पायलट को डाउन कर देना तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता। और यहाँ पर अभी बहुत सारे आ गए हैं भाई, भाई साहब मेरे को तो यार बहुत ज़्यादा खतरनाक सा डर लग रहा है। मतलब जो पुलिस है ना वो पूरी फोब में आ गई है, उसने ना ये पूरी पूरी सिटी बंद करवा दी। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक भी गाड़ी यहाँ पर नजर नहीं आएगी और यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले हैं ना बस वही लोग सिटी में घूम रहे हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि इस बार ही हम लोग यहाँ से बचकर जाने वाले हैं। सामने की तरफ में भी काफी सारी पुलिस आ चुकी है भाई, इनको नहीं छोड़ना भाई। अभी मैं भी फॉर्म में आ गया ना तो बेटा मैं मुंह तोड़ दूंगा सबका। इधर आ तेरी भैंस की ना, एक हेलीकॉप्टर और आ गया भाई। इस हेलीकॉप्टर के तो पायलट को मारो, इस हेलीकॉप्टर का पायलट मरना चाहिए, कोई चाहे मरे चाहे ना मरे। और ये लोग गया भाई, इस हेलीकॉप्टर के मैंने पायलट को मार दिया। अब ये हेलीकॉप्टर, ओ भाई क्या क्रैश हुआ है। सामने की तरफ में ना एक दो पुलिस वाले मेरे को नजर आ रहे हैं। बेटा मुंडी दिखा, निकल यहाँ से। और ये रहा, रुक जा गंजे तेरा मैं मुंह तोड़ूंगा। एक गया, यहाँ पर इसके पीछे एक और है, इसके भी मत्थे पे पड़ी, एक और गया और एक और गया। अभी है क्या कोई बचा है, कोई एक ही बैठा, रुको तेरी भैंस की रंग, तू भी निकल। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैंने ऑलमोस्ट सभी को मार दिया यहाँ पर। तो अभी ना गाइस यार जल्दी से हम लोग फटाफट चल लेते हैं ऊपर की तरफ में। और भाई इस बार ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि पहली बार ही ऐसा हुआ है कि यहाँ पर ना पूरी की पूरी सिटी बंद हो गई है और यहाँ पर एक और हेलीकॉप्टर आ रहा है। भाई छोड़ना मत, छोड़ना मत, पायलट को मारो सीधा, पायलट को मारो। और हेलीकॉप्टर क्या, हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर आकर ना गिर जाए। अभी फिलहाल ये देखो हेलीकॉप्टर नीचे आ गया, वो पीछे हट जाओ। ओ भाई साहब
यहाँ पर हमारे बंदे की गोलियां तो बहुत ज्यादा पड़ी है। भाग भाग भाग, ये फ्रैंकलिन ही है भाई, फ्रैंकलिन को मार मत देना कहीं तुम लोग। ओके तो गाइस और अभी बहुत सारे लोग हैं, मुझे अपनी ढंग की कोई गन निकाल लेनी चाहिए। अभी जल्दी से हमें ना आगे आगे बढ़ना है। यहाँ पर भाई हेलीकॉप्टर मैंने फोड़ा तो, लेकिन हेलीकॉप्टर ना अपने बंदों के ऊपर आके गिर गया। अच्छा हुआ कि किसी को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, वरना बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती। तो गाइस यार अभी ना आगे की तरफ में भी काफी सारे पुलिस ऑफिसर है, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को, मैं छोड़ूंगा नहीं। बेटा इधर आओ, निकल यहाँ से पहली फुर्सत में। भाई साहब एक तो इन्होंने पूरी की पूरी सिटी जो है वो बंद करवा दी, उसके बाद इतनी ज्यादा दिमाग खराब कर रहे हैं। ओ भाई ये क्या, इसको भी फोड़ो, इसको भी फोड़ो, ये बंदा जिंदा नहीं बच के जाना चाहिए। भाई साहब रॉकेट लॉन्चर मार रहा है, ले बेटा पटाखा बच गया। भाई रॉकेट लॉन्चर मारने चला था हमारे, और यहाँ पर हमने उसका हेलीकॉप्टर ही क्रैश कर दिया पूरा का पूरा। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले थे ना, मेरे हिसाब से मैंने सबको मार दिया है। और ये लोग किसके गोलियां मारे, ओके यहाँ पर सामने की तरफ से और पुलिस वाले आ गए। अब मुझे अपनी स्नाइपर निकालनी पड़ेगी। भाई देखो काम के टाइम पे स्नाइपर ही काम आती है, और यहाँ पर तो भाई इन्होंने बजा दिया बहुत बुरी तरह। अब लेकिन मेरा काम है असली, बेटा निकल पहली फुर्सत में। और ये क्या हुआ भाई, कुछ तो खतरनाक सीन हुआ, रुक जाओ। यहाँ पर या तो बॉम्ब फूटा, अच्छा कार ब्लास्ट हुई है नीचे की तरफ में, वही मैं कहूँ यार एकदम भूकंप सा आया कुछ। अभी ना जल्दी से मुझे ना यहाँ से कूदना पड़ेगा भाई, ये काफी ज्यादा ऊंचाई है, लेकिन अभी मैं अपने फ्रेंड के लिए रिस्क ले सकता हूँ, भाई मैं ज्यादा ऊंचाई से तो नहीं गिरा। तो गाइस यार यहाँ पर ना पुलिस वालों की एक दो गाड़ियां और आ गई है, और यहाँ पर ना इनको सोच रहा हूँ पुलिस वालों को गाड़ी से उतरने से पहले ही मैं यहाँ पर मार दूँ। मारो मारो मारो, किसी को भी मत छोड़ना, एक पीछे की तरफ में है। अब जैसे ये लोग झांकेंगे ना वैसे मैं इनको मारने वाला हूँ। एक काम करता हूँ, अपनी ना स्नाइपर लेके मैं पीछे चले जाता हूँ। बेटा झांक, अब झांको, अब जो भी झांका ना वो मरेगा, इसका हाथ दिख रहा है, निकल बेटा तू तो पहले। अब यहाँ पर जितने भी ये लोग गाड़ियां लेकर आए थे ना भाई, फिलहाल मैंने सबको मार दिया, एक और बचा हुआ है सामने। झांकने की गलती मत करियो, झांकने की गलती मना करी थी ना, मत करियो। भाई साहब बेचारा जैसे ही झांका वैसे ही मैंने इसका मुंह तोड़ दिया। अभी जल्दी से ना हमें इस गाड़ी के अंदर बैठना है, और यहाँ से हम लोग फटाफट से निकलने वाले सीधा दूसरी जगह पर। अभी ना यहाँ पर हमने ना पुलिस वालों को पूरा जो है ध्यान भटका दिया है। पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि जो भी चोर लोग आए थे ना वो सारे के सारे हम ही हैं, लेकिन जो असली गोल्ड है वो तो यार यहाँ पर ट्रेवर एंड लेस्टर लेकर निकल गए। भाई सच्ची में लेस्टर का जो प्लान रहता है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल है, और अभी ना हमें पुलिस वालों से ना पीछा छुड़वाना है। तो मैं काम करता हूँ, जहाँ पर हमें लेस्टर ने मिलने के लिए बुलाया था ना उसी जगह पर चल लेते हैं, वो जगह बहुत ज्यादा सीक्रेट है। तो गाइस यार वैसे ना अभी हमारे पीछे पुलिस भी जो है बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पड़ चुकी है, और यहाँ पर अभी मैं ना पुलिस को मुंह तोड़ जवाब देने वाला हूँ। इतनी देर से मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो ये लोग ना मेरे को गोलियां मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी मैं इन सबका मुंह तोड़ दूंगा। तो देखो गाइस यार अभी ना फटाफट से मैं उस जगह पर पहुंच गया हूँ जहां पर हमने बिग माफिया को किडनैप करके रखा हुआ है। अभी जो है ना माइकल जो है अपनी गाड़ी जो है आगे ले जाएगा, और अभी हम जा रहे हैं वापस से ट्रैवर पे स्विच होने, क्योंकि यहाँ पर ना ट्रैवर के पीछे भी काफी ज्यादा पुलिस हो सकता है पड़ गई हो। तो देखो भाई अभी ना ट्रैवर के पीछे भी पुलिस वाले आ रहे हैं, और हमारे पास जो हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर सारा का सारा गोल्ड लटका हुआ है, ये सारा का सारा गोल्ड जो है ना अभी हमें लेकर जाना है सीधा बिग माफिया के घर पर। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, लेस्टर के पास ना एक बहुत ही तगड़ा रॉकेट लॉन्चर है, जिससे उसने पुलिस वालों का एक हेलीकॉप्टर भी डाउन कर दिया। यहाँ पर ना एक हेलीकॉप्टर और है भाई, लेस्टर इस पे भी गोली मारो, उसका भी खेल खत्म कर। यहाँ पर लेस्टर ने एक गोली तो चलाई है, और ये निशाना मिस कर दिया। ना 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 ना, ऐसे नहीं चलेगा लेस्टर काम। अभी जल्दी से एक तगड़ा शॉट मार, और जो उसका हेलीकॉप्टर है उसे डाउन कर दे सीधा जल्दी से। अभी यहाँ पर देखो भाई हमारे पास ना देखो दो दो हेलीकॉप्टर है, और दोनों में पूरा का पूरा गोल्ड जो है भरा, और यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर और डाउन कर दिया लेस्टर ने। अब यहाँ पर नीचे की तरफ में ना एक और लास्ट हेलीकॉप्टर बचा हुआ है, और ये जो जगह है ना भाई काफी ज्यादा अजीब सी है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ाने में ना काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, अगर एक भी मतलब कि विंग जो है हमारी गोल्ड पे लगता है तो सारा का सारा गोल्ड जो है ना नीचे जाकर गिर जाएगा। और यहाँ पर गाइस लेस्टर ने आखिरी वाला हेलीकॉप्टर भी जो है डाउन कर दिया है, यानी कि अभी पुलिस वालों ने हमारा जो पीछा है वो पूरा का पूरा छोड़ दिया है। सारा का सारा काम जो है ना एकदम डन हो चुका है। अभी ना जल्दी से हमें सारा का सारा गोल्ड जो है देकर आना है सीधा बिग माफिया को। तो कि गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं दोबारा से जो है माइकल पे स्विच हो चुका हूँ, और अभी हम लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमने माफिया को जो है किडनैप करके रखा हुआ था। और यहाँ पर फ्रैंकलिन जा चुका है मेरी गाड़ी के अंदर, जितने भी डायमंड्स हैं उन सभी का बैग डाल ले, और उसके अंदर थोड़ा बहुत कैश भी है। और यहाँ पर देखो भाई माफिया को पता नहीं यार इन्होंने कौन सा इंजेक्शन लगाया है। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, फाइनली काफी ज्यादा मुश्किलों के बाद मैंने यहाँ पर जो है उठा दिया इसको। भाई सच्ची में पता नहीं यार कितनी ज्यादा गहरी नींद में है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि ये पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो पाएगा। भाई हमने ना इसके सरी सर पे इतने ज्यादा डंडे मारे हैं, इतने ज्यादा इसके इंजेक्शन लगाए हैं ताकि ये बेहोश रहे हमेशा। अभी फिलहाल इसको हमने काफी टाइम बाद खड़ा करा, और ये ढंग से मेरे पीछे भी नहीं आ पा रहा। जल्दी चल ले भाई, अभी हमें तेरे को तेरे भाई के पास लेकर जाना है। और गाइस यार मुझे तो काफी ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि सब कुछ जो है ना पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, मतलब कि अब इसके बाद जो है वाला जो घर है वो भी हमारा हो जाएगा, बिग माफिया भी हमसे खुश हो जाएगा, वापस हम सारे के सारे दोस्त बन जाएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि बिग माफिया अपने छोटे भाई का क्या करने वाला है। और भाई जल्दी से आ जाए भाई, पता नहीं कहां पर रहेगा। मैं गाड़ी का हॉर्न मारे जा रहा हूं, जब तक एक काम करता हूं ना गाड़ी घुमा लेता हूं, लेकिन एक बार ना अंदर देख कर आ जाता हूं भाई आखिरकार कहां रह गया। पता चला कि बेहोश पड़ा हुआ है दोबारा से। ओके तो गाइस आ गया, और सॉरी भाई साहब ये आ गया था और मैंने गलती से ना गेट खोल दिया, और ये दोबारा से उधर जाके बैठ गया। तो कोई बात नहीं, जल्दी से आ जाओ। और अभी जो गाड़ी का बैग है ना वो अभी फिलहाल हमारी गाड़ी के एकदम डिक्की में रखा हुआ है, तो जल्दी से बैठ भाई, बेचारे की हालत जो है भाई बहुत ज्यादा खराब कर
दी भाई मार मार के, इतना ज्यादा नहीं मारना चाहिए था। तो भाई यार देखो, अंडरवाटर माफिया को ना मारना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज ये ना अपने सीक्रेट्स रिवील करने को राजी ही नहीं था, इसीलिए हमने इसे इतना ज्यादा मारा। और इतना ज्यादा पिटने के बाद ना इसका दिमागी संतुलन जो है वो पूरा का पूरा बिगड़ चुका है। अब ना ये ढंग से चल पाता, ना ही खड़ा हो पाता, और ढंग से ना ये कुछ सोच समझ भी नहीं पाता। खैर छोड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी ना जल्दी से हम लोग ना यहाँ से निकल लेते हैं सीधा बिग माफिया के घर पर। और हाँ गाइस, जितना भी गोल्ड था ना वो सारा का सारा लेस्टर एंड ट्रेवर जो है हेलीकॉप्टर के थ्रू उसके घर पर पहुंचा देंगे। वैसे अभी तक उन्होंने पहुंचा दिया होगा, हेलीकॉप्टर का यार बहुत तेज चलता है, तो भी हमें भी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से मैं निकल लेता हूँ सीधा उसके घर पर। और भाई कितने ज्यादा मजे आएंगे, सब कुछ जो है पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। तो कि गाइस यार अभी फिलहाल मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को बहुत तेज भगाता भगाता पहुंचने वाला हूँ सीधा बिग माफिया के घर पर। और यहाँ पर ना यार मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि सब कुछ जो है पहले जैसा नॉर्मल होने वाला है, तो यार एकदम सब कुछ अब बढ़िया हो जाएगा, हम लोग दोबारा से एकदम बढ़िया से जिंदगी जिएंगे। और हो सकता है कि ये सब होने के बाद जो है बिग माफिया वाला घर भी खाली कर दे और ये वाला जो घर है वो भी अपना हो जाएगा। अभी फटाफट से ये जो बिग मतलब कि अंडर वाटर माफिया, इसको तो एकदम हमने नहला धोला के पूरा साफ सुथरा कर दिया है, ताकि बिग माफिया को ये ना लगे कि इसके छोटे भाई को हमने बहुत मारा है। तो अभी जल्दी से इसे हम लोग घर के अंदर लेकर चलते हैं। और यहाँ पर ना मुझे लग रहा है अपने वेपन्स जो है मुझे दोबारा से रखने पड़ेंगे, और जो वेपन्स मैंने पहले रखे थे वो कहाँ गए? तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल इन्होंने मेरे सारे के सारे वेपन्स जो है हटवा दिए हैं। अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा अंदर की तरफ में। और यहाँ पर ना भाई जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा टाइट है भाई, इन लोग की ना शक्लें देख के मुझे डर लगता है। तो देखो भाई यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट है ना कि भाई बंदा मारने की तो बात दूर है, यहाँ पर अगर हमने इनकी एक बाइक तक गिरा दी ना, मुझे तो लगता है कि इतनी सी बात पर ये लोग मुझे मारने लग जाएंगे भाई, इतने गुस्से में खड़े रहते हैं हमेशा। और इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है ना, और इसी टाइट सिक्योरिटी की वजह से कि बिग माफिया को मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी फटाफट चलते हैं हम लोग आगे की तरफ में, और यहाँ पर बिग माफिया खड़ा खड़ा हमारा वेट कर रहा है। और यहाँ पर अभी मैं भी फुल चौड़ में ही आया हूँ, क्योंकि अभी हमने कोई गलत काम नहीं करा, सारा का सारा पैसा वापस करने आए हैं। तो कि गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर बिग माफिया से बात होगी, और भाई बिग माफिया ने हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा स्कैम कर दिया है। मतलब कि जितना भी गोल्ड था वो सारा का सारा लेस्टर और ट्रेवर जो है इसको देकर चले गए थे हेलीकॉप्टर से। और यहाँ पर बाकी जितना भी डायमंड इसके बचे थे और जितना भी कैश था वो भी सारा का सारा मैं बैग में लेकर इसके पास आ गया। और जैसे ही मैंने इसको बैग दिया तो ये कह रहा है कि जो अंडर वाटर माफिया ये इसका छोटा भाई नहीं था, उल्टा यही एक बंदा था जो कि इसकी टक्कर का था, और पूरे लॉस सैंटोस का सबसे अमीर आदमी भी बिग माफिया नहीं था, अंडर वाटर माफिया था। तो भाई यार ये कह रहा है कि भाई माइकल तुमने तो मेरा सारा सारा काम आसान कर दिया, अंडरवाटर माफिया का सारा पैसा भी मुझे लाकर दे दिया, और साथ के साथ उसको भी मेरे हवाले कर दिया। भाई अभी यहां पर सीन जो है बहुत ज्यादा बेकार हो चुका है, मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर मेरे पास गन होती ना तो मैं यहीं कहीं बिग माफिया को ठोक देता, उसके बाद देखी जाती क्या होता। लेकिन अभी बिग माफिया कह रहा है पहली फुर्सत में मेरे घर से निकल लो, तुम्हारे पास एक मिनट है, और अगर एक मिनट के अंदर मेरा घर लीव नहीं करा तो तुम्हारे भी गोलियां बजा दी जाएगी। और यहां पर यार अभी मेरे को भी भागना पड़ेगा, मेरे पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है, और अभी मुझे नहीं पता कि वो अंडरवाटर माफिया के साथ क्या करने वाला है। लेकिन भाई जो भी हो, बिग माफिया यार सच्ची में ही बिग माफिया भाई, पूरा का पूरा उसने सबको पागल बना दिया। और अभी भाई ये जो करता है ये तो अब हमारा भूल के भी नहीं होने वाला। तो गाइस यार बिग माफिया ने ये जो हमारे साथ स्कैम करा ना, इसका बदला जरूर लूंगा मैं उससे, और वो वाला जो घर है ना वो तो मैं लेके ही रहूंगा। और यहाँ पर यार सबसे खतरनाक चीज़ पता क्या है, जो हमने आज चोरी करी थी इतनी बड़ी, वो भी सारा का सारा पैसा चला गया, और जितना पैसा पहले का था वो भी सारा का सारा जा चुका, मतलब कि $800 मिलियन का नुकसान आज हो गया भाई। यहाँ पर अगर ये बात ट्रेवर को पता चलेगी ना, तो मेरे हिसाब से ट्रेवर जो है बिग माफिया के घर में उसे घुस के मारेगा। लेकिन यार बिग माफिया से ना ट्रेवर भी डरता है, क्योंकि बिग माफिया ने एक बार ट्रेवर को पहले बहुत पिटवाया था, उसके बाद से शायद से ट्रेवर भी उससे डरता ही होगा। खैर छोड़ो यार, इस चीज के बारे में हम लोग ज्यादा नहीं सोचेंगे, लेस्टर ही में बताया कि हमें आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब जो है लेस्टर ही प्लान करेगा। और आप लोग को क्या लगता है आप लोग जाकर कमेंट में जरूर बताना। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर एम करते हैं 1 मिलियन लाइक के लिए, इतना बड़ा लाइक एम मैंने आज तक नहीं करा, तो जल्दी से आओ सभी लोग लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो, तभी आपको नेक्स्ट वाला एपिसोड जो है जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो जल्दी से आओ लाइक कर दो, और चैनल पे जो भी नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट में जाकर बताओ मुझे आगे क्या करना चाहिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, और जिस किसी को मेरे से बात करनी है डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।